वेलकम आज का वेलकम फ्रेंड्स, आज का सेशन तथा टू गुरुकुल का फर्स्ट सेशन होगा। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी सेशन कर दिया था जिसमें आप सब लोग थे और बाकी काफी सारे लोग नए ऐड हो गए इस ग्रुप में, तो सभी को वेलकम है इस आज का एक फैंटास्टिक सैटरडे के लिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको इस प्रोग्राम का आउटलाइन के बारे में। सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे श्री होनराव सर को, जिन्होंने अभी 26 तारीख को सॉरी अभी 24 तारीख को अपना एमडीआरटी डिक्लेयर किया है। उससे पहले 14 फरवरी को हमारे बहुत ही प्रिय लाड़के विजय शिंदे सर ने भी डिक्लेयर किया है 14 फरवरी को फर्स्ट एमडीआरटी। हमारी तरफ से उनको बेस्ट विशेज है कि 31 मार्च तक उनका सेकेंड एमडीआरटी भी हो जाए। थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम के बारे में आउटलाइन दूंगा आपको कि आज जो है वो विजय शिंदे सर हमारे जीवन उमंग के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद श्री सीतारमन सर भी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे आपसे और आगे का एक पालन भी करेंगे। उसके बाद में फिर अगर किसी को कोई भी अपना डिटेल्स शेयर करना है तो अपना प्रॉब्लम्स अगर होगा तो हम उसके लिए बात करेंगे। और थोड़ा ये भी होगा बीच में कि अगर किसी को कोई भी अचीवमेंट्स अगर आपने किया हुआ है तो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ ये शेयरिंग कर सकें। सो आई विश एवरीबॉडी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड लेट्स एंजॉय द डे टुडे। लेट्स बिगिन विद विजय शिंदे सर एंड सीतारामन सर। सर सीतारामन सर, सबसे पहले तो आप सबको वेलकम कर दीजिए, बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं सर। सीतारामन सर प्लीज टेक ओवर सर। थैंक यू। सबको नमस्कार। हमारा जो है ये भी एक मिशन है तथास्तु टीओटी गुरुकुल। इसमें जो है हम टीम तथास्तु टीओटी गुरुकुल, मायसेल्फ, एसएस अय्यर, मिस्टर विजय शिंदे और मिस्टर संतोष तीटे और मिस्टर हेमंत आशर, जो ये प्रोग्राम में आप सबको वेलकम कर रहे हैं और जो हम आप लोगों को जो समय बताते हैं वो समय में आप लोग जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप जो है आपके लिए हम लोग चारों जो है हमारा काम करते हुए आपको समय दे रहे हैं। जितना आपका समय कीमती है उससे ज्यादा हमें भी समय कीमती है, क्योंकि हमें भी परफॉर्मेंस करना पड़ रहा है और आप लोगों को एक हैप्पी टू से दैट जो है हमारा मिस्टर विजय शिंदे है 14 फरवरी को अपना एमडीआरटी डिक्लेयर किया है और उन्होंने जो है वचन किया था मैं हर दिन जो है 1,00,000 रुपया जो है प्रीमियम लाऊंगा, तो उसी के वजह से जो है उन्होंने दिमाग में सोचा, माइंड में लाया और उसको हकीकत में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उनका 14 फरवरी को जो है 14 फरवरी को जो है उनका एमडीआरटी डिक्लेयर हो गया है और 15 मार्च को उनका सेकंड एमडीआरटी डिक्लेयर हो रहा है, क्योंकि उसका मुताबिक उनका बिजनेस जो है इन्वर्ट हो रहा है और 31 जनवरी को वो इज नॉट गोइंग ओनली टू डिक्लेरिंग इज सीओटी, मतलब वो सीओटी भी कर रहे हैं साथ में अपना कॉर्पोरेट क्लब का भी कंटिन्यूस जो है क्वालिफाइड हो रहे हैं वो भी। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको किसी न किसी को एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रोल मॉडल यू कैन डू नॉट सी वेर यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आपको एक उदाहरण पूर्वक एक आदर्श पुरुष रहेगा ना, उससे जो है आपको एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और बहुत बड़ी चीज मिलेगा। तो पूरा सेशन जो है उनको देने के पहले मैं जो है एक 10 मिनट एक आउटलाइन दूंगा। आज का जो डिस्कशन है वो जीवन उमंग के ऊपर होगा, क्योंकि जीवन उमंग जो है ऐसा एक प्लान है मैक्सिमम जो है जीवन लाभ के बाद बिकने वाला। और जो जो मिस्टर विजय शिंदे हैं ये ऑलरेडी जो है यूएस क्रॉस्ड 60+ जीवन उमंग इस फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 60 के ऊपर जीवन उमंग बेच चुके हैं
और ये जो है उनका सीवर्टी को और जा रहे हैं ना, तो उसमें 40 प्लस मतलब और 40 से 50 जीवन उमंग बेचने वाले हैं. ही इज सेलिंग ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज जीवन उमंग, और वही एक को हाथ में पकड़ रहा है, उसी के ऊपर मतलब वो पूरा ध्यान दे रहे हैं. तो उनका जो है सेल्स टिप्स लेना अपना पूरा मतलब ग्रुप के लिए अच्छा है. और जो है हर बात के ऊपर आप बीच में मतलब इंटरफेयर मत कीजिए. जो भी मतलब स्पीकर या कोई भी बोल रहे हैं, हम जिसको कॉल कर रहे हैं, अगर आपको पहले मतलब कुछ बात करना चाहते हो, अगर आपके पास कुछ अच्छे चीजें हैं, हमें पहले इन्फॉर्म कीजिए और पर्सनली मेरा ग्रुप में व्हाट्सएप जो अपना तटस्थ ग्रुप में व्हाट्सएप कीजिए, ऐसे ऐसे मेरे पास सेल्स टिप्स है, मैं भी बात करना चाहता हूँ, जो कि हम कोर्स बनाएंगे आपके लिए. जो भी समय चाहिए, आप जितना समय मांगते हैं उतना समय आपको अलॉट करेंगे. ऐसा कोई ये नहीं है हम ही लोग बात करेंगे करके, ये डिस्कशन का मतलब एक दूसरे का अपना विचार विमर्श को भी मतलब आपस में बांट के वी गेट टूगेदर टू अचीव अवर गोल. मतलब हम सब मिलके हमारा जो लक्ष्य है इस साल जो है MDRT से कम जो है COT TOT की ओर बढ़ना, और जितना हम प्रोग्रेस करेंगे तो पूरा भारतवर्ष में हम एक उदाहरण पूर्वक ग्रुप बन सकता है. तो इसके लिए सबसे पहले डिसिप्लिन, दूसरी चीज बकायदा मतलब अपना काम भी करना, सिर्फ ग्रुप में अटेंड करना, बातचीत सुनना, जाके बैठ जाना, ऐसा नहीं. एक्टिविटी बहुत जरूरी है. और साथ में जो है ये सेशन शुरुआत करने के पहले मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ, और तकरीबन 25 पार्टिसिपेंट आ गया है, और धीरे धीरे शुरू करेंगे तो और भी ऐड होंगे. तकरीबन जो है पुणे और ऑल ओवर इंडिया से टोटल 80 लोग जो है अपना ग्रुप में है. डिस्क्लेमर, सबको मैं मतलब आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. मैं SS अय्यर तथास्तु गुरुकुल की तरफ से, हमारा सहयोगी विजय शिंदे, संतोष टीटे और आशार की तरफ से मैं आप लोगों को सबको वेलकम करता हूँ. इसमें जहाँ जुड़े हुए हैं जो हमारा मतलब स्पेशल इन्वाइटीज, हमारे LIC ऑफिशियल और साथ में जो है हमारा गुरुवर, और उसके अलावा मेरे से उम्र में बड़े, उनको सबको प्रणाम करते हुए मैं वेलकम करता हूँ. डिस्क्लेमर, दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स field forces, the titles, contents, pronunciation is for understanding purpose. The figures and pronunciation mentioned are under the current scenario, can change, and it is not guaranteed for any product. Terms and conditions apply. इसके बाद जो है मैं outline दे रहा हूँ, मैं थोड़ा ही समय लेने वाला हूँ. हमारा success के लिए जो है मैं brief नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ. 6C को अडॉप्ट करना पड़ेगा. आपका सबसे पहले कमिटमेंट होना चाहिए अपना प्रोफेशन में, आपको कहाँ पहुँचना है. दूसरा जो है उसको पाने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, करेज, और मार्केट में रहने के लिए नया नया क्रिएटिविटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. चौथा जो है कैपेबिलिटी, जो आप क्रिएटिविटी किया है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आपका एक नॉलेज, आपका एक कमिटमेंट, करेज, वो सबको यूज करके उतना मतलब अपने आप को बनना बहुत जरूरी है. और जो चीज सीखा है और उसको जो है सामने वाले को बताने के लिए यू मस्ट एबल होना है, तो उसपे आपका खुद के खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तीसरी चीज जो है मैं बार बार हर मीटिंग में बोलता हूँ, कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब आपको काम हो ना हो रोज 5 लोगों से मिलना है. हरकत जो करोगे आपको बरकत मिलेगा, हरकत जो करोगे आपको बरकत मिलेगा. हर दिन आप 5 आदमी से मिलेंगे. विजय शिंदे वही कर रहा है, सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे जाता है. जब तक 1 लाख रुपया नहीं आता है वो कुछ भी नहीं करता है, इवन जो है चाय भी वो मुश्किल से पीता है. खाना तो छोड़ दीजिए, चाय भी मुश्किल से पीता है. तो ये जो है कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस,
कंटिन्यूटी ये सब रहेगा, कामयाबी मिलेगा। कामयाबी ऐसा सस्ते में मिलता नहीं है। ये जो है आप लोगों को सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जो कि आपको कामयाबी आपको आसानी से मिलेगा नहीं। आपका जो है मेहनत को सामने रखोगे, मेहनती रंग लाएगा आपका सीओटी टीओटी का। और दूसरी चीज जो है, अब जो भी चीज देखते हैं, ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रूव है। अब लोगों को जाके टीच करोगे, आप 95% जो है अपने काम कर रहे हैं, जो आखिर में जो आपको फल मिलता है वही 5%। मतलब आपका जो है कामयाबी मिलना तो 95% जो है आपको पूरा अपने आप को मार्केट में, मतलब लोगों के बीच में उतारना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, मेरे पास क्या कंसेप्ट है, मैं क्या देना चाहता हूँ। तब जाके जो बचा हुआ जो 5% है, जो सक्सेस, जो अगर वो 5% सक्सेस आपको मिलना है, जो बाग 100 में से, उसके लिए 95% आपको अपने आप को सामने रखना पड़ेगा, अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सक्सेस इतना आसानी से मिलेगा नहीं। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को। और ये मार्च में जो है, मैं और एक टिप्स देना चाहूंगा, जो इस महीने का जो MDRT का जो मैगजीन है राउंड द टेबल, मेरे को हर महीने से आता है 20 साल से, क्योंकि मैं लाइफ मेंबर है उसका। इसमें छोटा सा एक टिप्स दिया है, 3R। 3R का मतलब क्या है? रिव्यू। आपका जितना भी इधर जुड़े हैं सबका जो है कम से कम 5 years का एजेंसी है, मैक्सिमम 20, 25, 10 वाले भी है। अगर 3R को आप अडॉप्ट करते हैं, 3R का मतलब फर्स्ट आर है रिव्यू। आपका जितना भी कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनको एक बार रिव्यू करिए और उनको किसको मैं दोबारा पॉलिसी दे सकता हूँ और उसका परिवार में किसको पॉलिसी दे सकता हूँ। आप रिव्यू करने से आपको जो है एक गेट टू रेडी एक प्रॉस्पेक्टिव का एक बढ़िया लिस्ट मिलेगा, और उसमें साथ साथ नाम, उनका एग्जिस्टिंग पॉलिसी नंबर, और कितने लाख का पॉलिसी दिया, कितना प्रीमियम लाया, अभी कौन सा पॉलिसी मैं दे सकता हूँ, उसमें कितना प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली दे सकता हूँ, और उसमें मेरे को कितना कमीशन आएगा, और ऐसा एक जो है 50 का लिस्ट बनाते हैं। और क्यूमुलेटिव जो है आपका प्रीमियम के साथ कमीशन का भी क्यूमुलेटिव लिस्ट बनाएंगे, आपका सामने एक फिगर आएगा। मैं ये जो है गेट टू रेडी वाला जो है रिव्यू में से मुझे क्या MDRT तक ले जाएगा, या WMDRT तक जाएगा, या COT तक जाएगा करके, ये रिव्यू का मतलब। और रीसेल का मतलब आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास आपने पहले से पॉलिसी दिया है और दोबारा पॉलिसी दे रहे हैं। रीसेल का मतलब आप पुराना जो है जीवन आनंद दिए थे या जीवन लाभ दिए थे, अभी आप जो है एक एडिशनल प्रोडक्ट क्या है, जीवन उमंग हो या बचत प्लस हो या कोई भी, जीवन शांति हो या जीवन अक्षय हो, कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अगर उनको दे नहीं सकते मतलब रिव्यू हो गया, रीसेल हो गया। तीसरा जो है रिकमेंडेशन, तीसरा आर जो है रिकमेंडेशन। और उस व्यक्ति को आप गए मिले, उनसे कुछ मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट का मतलब आपको काम नहीं मिला या पॉलिसी नहीं मिला, आप उनसे रिकमेंडेशन मांगिए। रिकमेंडेशन मतलब रेफरल ऐसा मांगिए जो कि उसका उसके सामने बैठ के जिसको वो रेकमेंड कर रहा है उससे बातचीत उसी से कराइए। अगर एक बार उससे बातचीत हो गया, आपका 50% सेल क्लोज हो जाता है, और अनदर 50% जो है आप लोग इतना मतलब एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स है, आपको जो है बाकी 50% सेल जो है जिन्होंने व्यक्ति ने आपको रेफरल या रिकमेंडेशन किया है उनके पास जाके बैठ के बात करेंगे तो आपको रिमेनिंग सेल हो जाएगा। ये मेरा जो है अनुभव से बोल रहा हूँ। ये 3R को आपको मस्ट अडॉप्ट। और जीवन उमंग ऐसे एक जो है प्रोडक्ट है, कहते हैं भगवान जो है कभी भी प्रकट हो सकता है, लेकिन LIC का जीवन उमंग ऐसा है, इसमें हर रुचि है,
गारंटीड भी है, लाइफ टाइम भी है, आजीवन भी है, आयकर मुक्त मतलब टैक्स फ्री भी है, और ऐसा जो रिटर्न जो है और बढ़ता हुआ पूंजी मतलब आपका कैपिटल जो है प्रोटेक्ट के साथ बढ़ भी रहा है। ये ऐसा जो प्रोडक्ट है वो जो है आपको LIC के पास है और इसको प्रचार करने का अधिकार आप है और वो आपसे ही मतलब लोगों को मिल सकता है, ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन मिलने के लिए या तो आपके पास एक बहुत बड़ा पूंजी होना चाहिए, जो कि वो चीज हर एक के पास नहीं होता है, और वो पूंजी को क्रिएट करके और उसी से जो है फ्यूचर में जो है लोगों को जो रिटायरमेंट चाहिए वो जो है जीवन उमंग से ही मिल सकता है और वो LIC से ही मिल सकता है और वो आप ही दे सकते हैं, वो ही आप ही दे के अपना जो मंजिल है गुरुकुल का यही में जो कि आपको COT TOT बनने का, वो इसी से हो सकता है। मतलब हम एक लोगों को प्रचार करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप EMI में एक बहुत बड़ा पैसा क्रिएट करिए और अपना ओल्ड एज में पासिव इनकम का मतलब क्या है, जैसा हम नलका का खोलते हैं, ओवर हेड टैंक में पानी है, नलका का खोलते हैं जब चाहिए अपने को जरूरत के मुताबिक उतना पानी निकलता है, उसी के मुताबिक अपना ओवर हेड टैंक में हम एक बहुत बड़ा पैसे को जो है अपना अगला जो जिंदगी है 60 साल के बाद अपना मतलब कस्टमर का, तो उसके लिए जो है हम ओवर हेड टैंक में एक बड़ा पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं और 1 तारीख को या दिया हुआ तारीख को अपने को जो है ऑटोमेटिकली जो है अपने नाम पर टैक्स फ्री इनकम आए, क्योंकि पेंशन बोला तो वो टैक्सेबल है, FD से इनकम आएगा वो टैक्सेबल है, ये एक ऐसा इनकम है 100% टैक्स फ्री इनकम ऑटोमेटिकली आएगा, जैसा नलके से खोलते पानी आता है ऐसा जो है हर एक महीने में दिया हुआ तारीख के मुताबिक पैसा आने वाला है। तो इसके लिए क्या है, उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं जो विजय शिंदे जी जो काम करते हैं उसी के ऊपर मैं भी थोड़ा सा इसको बनाया हूँ, वो जो है किसी से भी बात करते हैं 3 लाख के नीचे बात नहीं करते हैं, 3 लाख के नीचे बात नहीं करते हैं, उनको किसी से 1 लाख मिल जाता है, किसी से 1.5 लाख मिल जाता है, किसी से 3 लाख भी मिलता है, उसका अधिक भी मिलता है, लेकिन बातचीत करते हैं 3 लाख से, तो बेटर देन बेस्ट। पासिव इनकम का क्या है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको इमिडिएटली आज जो है आज के समय पे अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर किसी को महीने का 25,000 रुपया साल का 3 लाख रुपया चाहिए तो कम से कम 60 लाख रुपया चाहिए, वो 60 लाख रुपया तो उसके पास है ही नहीं है, इसलिए अगर उसके पास होता है तो वो जीवन शांति या जीवन अक्षय या बैंक में मतलब इन्वेस्ट करता, तो इसीलिए हम उसको सपोर्ट करने के लिए सहायता करने के लिए हम उनके पास गए हैं और उनको समझा रहे हैं सर अगर आप ये है इस विषय पे आज के दिन आप नहीं गए हैं, आने वाला दिनों में इंटरेस्ट रेट इतना गिर जाएगा शायद मतलब 15 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट 1% हो गया तो आपके पास 3 करोड़ होना चाहिए, तब जाके 1% इंटरेस्ट से आपको 3 लाख सालाना या महीने में 25,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि आज से जो है 15 साल पहले 10-12% था तो आज 5-6% है, हो सकता है 15 साल के बाद जो है 0 भी हो सकता है, हम मिनिमम 1% पकड़ते हैं। दूसरी चीज आपका जो है हम आपको EMI में आपको एक बड़ा पूंजी जो है बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपको जो है रिटायरमेंट कॉर्पस कहते हैं कम से कम 60 लाख रुपए बनाएंगे, तो वो 60 लाख रुपए 15 साल में बनाना है तो आपको सालाना जो है 4 लाख रुपए देना पड़ेगा, जो कि 15 साल में जाके आपको 60 लाख रुपए बनेगा, जो 15 साल में जो जाके 60 लाख रुपए बनेगा तो उसके लिए हर साल जो है अभी से 4 लाख रुपए निवेश करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं आपका ज्यादा बोझ नहीं देना चाहते हैं, आपको जो है ज्यादा बोझ नहीं देना चाहते हैं, एक जो है शुभ समाचार आपको एक गुड न्यूज बताना चाहता हूँ, आपको जो है कंसेशन रेट में आपका पूंजी भी बढ़ा दूं, साथ में आपको जो है बहुत बड़ा गारंटीड टैक्स फ्री इनकम भी दिला हूँ, ऐसा एक योजना है मेरे पास, उसके लिए जो है आपको EMI में विदाउट इंटरेस्ट बिना ब्याज का
ईएमआई बोला तो ब्याज होता है, ईएमआई बोला तो ब्याज होता है, लेकिन मेरा जो ईएमआई में आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं, 25,000 रुपए का हिसाब से सालाना 3 लाख, आप 15 साल जो है आप हमारे पास 45 लाख निवेश करेंगे। देखिए 60 लाख आज आपके पास नहीं है, 60 लाख में आप देखेंगे तो आपका 15 लाख पूरा बच रहा है, टोटल अमाउंट में सेविंग भी हो रहा है और कम से कम डिस्काउंट हो रहा है 25%। आप जो है 3 लाख के हिसाब से ही आप जो है 15 साल देने वाले हैं, और जैसा ही 15 साल हो जाएगा कदम 8% समर शुल्क, जो हम जो है जितना समर शुल्क दे रहे हैं 37,50,000 का, उसका जो है हम लगभग जो आपका निवेश किया हुआ पैसे के ऊपर हमारा जो है इंटरेस्ट रेट IRR कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 6.66% आता है, और रिमेनिंग जो है 1.34% हम जो है आपका पूंजी को मतलब अक्यूमुलेटेड अमाउंट को और अक्यूमुलेट करता जाएंगे जब तक आप जीवित रहेंगे या जब तक आपका 100 साल उम्र तक, इसी को कहते हैं गारंटीड टैक्स फ्री लाइफ टाइम इंक्रीजिंग ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और आप एक बहुत बड़ा पूंजी पासिंग टू द नॉमिनी एज ए लीगेसी। तो ये चीज जो है सिंपल कंसेप्ट के साथ आप जो है उतरेंगे, आपको जो है रोजाना एक जो है पॉलिसी 1 लाख का हो या 1,20,000 का हो या 1,60,000 का हो या 2 लाख का हो या 3 लाख का हो बिक सकता है, क्योंकि सामने वाला के जाके कम से कम 5 लोगों को आप बताएंगे। मैं भी कल का उदाहरण बोलता हूँ, मैं कम से कम कल 10 व्यक्तियों से मिला और मेरा जो है बहुत बड़ा पॉलिसी नहीं बिका, लेकिन 3 लोगों के पास 60-60 हजार का ही बिका, लेकिन कुछ ना कुछ सेल हुआ है। 60-60 हजार का मतलब 1,80,000 रुपए हो गया, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा पॉलिसी बिकना है। अब 10 लोगों से मिलने के बाद 3 पॉलिसी मिल रहा है तो 5 लोगों से मिलेगा तो भी 1 पॉलिसी मिल सकता है, इसका मतलब ये एक प्रूव्ड साइंस है इंश्योरेंस का। तो इसके साथ जो है मैं अपना जो है विषय को यही समाप्त करता हूँ, और विजय शिंदे के बातचीत के बाद जो है आप लोग जो है जो अपना जो भी बात करना चाहते हैं वो अपना चैट बॉक्स में मतलब टाइप करेगा वो क्या बात करना चाहते हैं। तो तकरीबन जो है 30 लोग आ गए हैं, अभी मैं मिस्टर विजय शिंदे को वेलकम करना चाहता हूं और उनको एक मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा विजय शिंदे जी के बारे में आउटलाइन बताता हूं। इसे MSc ग्रेजुएट है, पहले नौकरी करते थे फिर पार्ट टाइम किया, उसके बाद जो है 2005 में मेरे को कहते हुए बहुत खुशी हो रहा है, सबसे पहला मेरा मतलब बोलना चाहूंगा तो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, और 45 डेज जो है हमारे साथ उन्होंने काम को सीखा है, आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं विदाउट फियर एंड विदाउट टियर, उसी को फॉलो कर रहा है, आज बहुत बड़ा कामयाबी का मंजिल में जो है पांव रखे हुए हैं, लगातार जो है 6 साल से COTA, 6 साल से कंटिन्यूस कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है। और मैं कहता हूँ आप लोगों को, एक तो जो है March 31st तक को COT करने वाले हैं, और उसके अलावा जो है अगस्त तक अपना TOT को कंप्लीट करने वाले हैं, उसके अलावा उनका बेटी के ऊपर भी एजेंसी लिया है, और बाकी बचे हुए 5 महीने में अपना बेटी को भी COT कराने वाले। जब एक व्यक्ति जो है इतना काम कर सकता है लगातार, तो हम और आप अपने लिए कोई भी मंजिल को छूने के लिए तैयार होना चाहिए। जंग जब तक लड़ोगे नहीं आपको जीत नहीं मिलेगा, घर बैठे जीत नहीं मिलेगा, जंग भी मैदान में लड़ा जाता है मतलब बैटलफील्ड में, और इंश्योरेंस भी जो है आपको एक जो है बाहर ही मिलेगा, घर के अंदर नहीं मिलेगा। अपना बैटलफील्ड कस्टमर्स है, अपना दुश्मन नहीं है, अपना सब दोस्तों के साथ ही जो है अपने को संपर्क रखना पड़ेगा, अपना व्यवसाय को बढ़ाना पड़ेगा। ओवर टू मिस्टर विजय शिंदे। विजय गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? आ रहा बढ़िया। हाँ, तो इधर सब जो ग्रुप बनाया है वो पूरा सक्सेसिव लोगों का ग्रुप है,
क्योंकि टीओटी नाम दिया है तथास्तु टीओटी, तो किसी को मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि 6:30 बजने के बाद सब ज्वाइन हो जाते हैं, वही बड़ा मोटिवेशन है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा प्रेजेंटेशन से, क्योंकि मैं क्या प्रेजेंट करता हूँ लोगों को। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, हर एक का स्टाइल अलग अलग रहता है, जितना इससे आपको भाता है उतना आप कंटिन्यू करो अपने वर्किंग स्टाइल में, क्योंकि ये सक्सेस फॉर्मूला मुझे लगता है थोड़ा प्रेजेंटेशन ही। बहुत बार क्या होता है कि हम प्लान प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से करना चाहिए मैं बहुत प्रैक्टिस से और लोगों ने मुझे सिखाया है कि लोगों क्या होता है कि हर एक प्लान का स्टडी होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? यस यस। तो मैं बाद में करूंगा, स्क्रीन एक ही बार मैं शेयर करूंगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिंपल एक पेन और पेपर लेके क्लाइंट के पास बैठता हूँ। मैं बैग में से एक मेरा फाइल निकलता हूँ, उसमें से 2-3 पेपर निकलता हूँ, एक बढ़िया वाला पेन रहता है मेरे पास, क्योंकि ये सब इम्प्रेशन की बात रहती है कि हम 10 रुपए के पेन से उसको बड़ा पॉलिसी नहीं बता सकते। एक बढ़िया पेन रखो 1,000-1,500 रुपए वाला और स्टार्ट करो। क्या मैं बाकी क्या क्या मुझे दिक्कतें आई है वो भी मैं बात करूंगा, मैं पहले प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा। तो मैं डायरेक्ट कस्टमर का नाम लिखता हूँ, क्या उसका ओम नाम रहेगा, ओमकार रहेगा, वो लिखता हूँ, एज लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि उनका, मैं किसी कस्टमर के पास गया हूँ और उनका एज 40 है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर एक बढ़िया प्लान आया है, मुझे क्या क्या ऑब्जेक्शन आए वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में पहले क्लियर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा प्लान प्रेजेंटेशन का। फिर बाद में लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, वो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो प्लान प्रेजेंटेशन के वक्त मैं जब प्लान प्रेजेंट करता हूँ तो बीच में क्लाइंट बात नहीं करता है, ये मेरा मेरा खुश नसीबी है कि क्लाइंट बात नहीं करता, तो मुझे प्रेजेंटेशन देने में आसानी हो जाती है। कस्टमर को बोलता है सर ये प्लान ध्यान से देखिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बढ़िया सा प्लान, और उसके बाद देखेंगे लेना नहीं लेना क्या करना है। तो मैं पहले 30 लाख का लिखता हूँ, जनरली 30 लाख 15 इयर्स, एज 40 है, तो मैं सिंपल पेपर पेन से लिखता हूँ 30 लाख/15। उसके बाद लिखता हूँ सर 2,40,000 साल का प्रीमियम देना है, आगे लाइन खींच लेता हूँ, एक आगे लिखता हूँ कि 15 साल के बाद आपकी एज 40+15 55 हो जाएगी। नीचे लिखता हूँ आपको LIC के तरफ से 2,40,000 ईयरली गारंटेड टैक्स फ्री एंड होल लाइफ मिलेगा। एक गारंटेड इसलिए लिखता हूँ कि 30 लाख से 2,40,000 तक एक लाइन खींच लेता हूं मैं, 8% गारंटेड बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख के देती है। इसके बाद उसी पेज पे एक बाजू में लिखता हूँ कि इसमें एडिशनल क्या है, मैं इसमें इनबिल्ट नहीं लिखता हूँ इंश्योरेंस, ये बोलता है एडिशनल है आपको, नेचुरल डेथ 30 लाख, एक्सीडेंटल डेथ 60 लाख, और ये 15 साल तक बढ़ते जाएगा, 15 साल के बाद आपका एज हो जाएगी 55 और नेचुरल डेथ रहेगी 56 लाख, एक्सीडेंटल डेथ रहेगी 80 लाख। और फिर उसको मैं अपना प्रेजेंटेशन जो रहता है वो दिखाता हूँ। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। बहुत बहुत सिंपल वे से मैं बताता हूँ सर, फिर उसका नाम लिखता हूँ, मैं थोड़ा रेडी रखा था 30 लाख, उसको ये मैं बोलता अभी हम कोटेशन देखते हैं, तो उसको दिखाता हूँ डायरेक्ट ए पेज, सर 55 एज से 100 एज तक आपको 2,40,000 मिलते रहेगा। ये जब दिखाते हैं तो वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, 2,40,000 इधर दिखाता हूँ 100 एज तक। फिर पेन से लिखता हूँ 55 एज में नेचुरल डेथ को 56 लाख, एक्सीडेंटल डेथ को 86 लाख,
डायरेक्ट फिर 65 एज पे मैं चला जाता हूँ, 65 एज पे फिर एक्सीडेंटल डेथ का मैं लिखना छोड़ देता हूँ। 65 एज पे डेथ होती है तो 73 लाख, 70 एज पे डेथ होती है तो 88 लाख, 75 एज पे 1 करोड़ 11 लाख, 80 एज पे 1 करोड़ 34 लाख, 85 पे 1 करोड़ 61 लाख, और उसके बाद भी जीना है तो सर जी सकते हैं। तो फिर लिखता हूँ कि यदि आपको 70 एज में पैसे की जरूरत है तो 88 लाख का 90% मीन्स 80 लाख आप ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को। और 70 एज में आपको पैसे की जरूरत है तो 88 लाख दिख रहा है 70 एज में, तो आगे लिखता हूँ 90% 80 लाख, 65 के आगे लिखता हूँ 75 लाख है, 73 लाख है 65 के आगे, तो 73 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो तो 66 लाख लिखता हूँ। फिर 75 एज के बाद लिखता हूँ 1 करोड़, 80 में लिखता हूँ 1 करोड़ 22 लाख, ऐसा लिख देता हूँ। इधर मेरा डिस्कशन ये हो गया प्लान, प्रॉपर उसको प्लान प्रेजेंट करो पेज के ऊपर, ये पूरा प्रैक्टिस से आ जाएगा सबको, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत सिंपल वे से बता रहा हूँ। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद ये ऐप मैं मोबाइल को बाजू को रखता हूँ, बोल रहा हूँ कि ये प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, ये है प्लान, लेकिन ये प्लान हमें क्यों लेना चाहिए, पर्पज क्या है प्लान का। तो मैं बोलता हूँ कि सर वो प्लान छोड़ के हम थोड़ा जनरल बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। 1990 में मैं ये भी पेपर के ऊपर ही लिखता हूँ, 1990 नीचे लिखता हूँ, 1991 में इंडिया ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन गया। इंडिया ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन गया तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट था 214% और खींच देता हूँ। और 2022 में सर इंटरेस्ट क्या है बैंक का, मैं उसको है ना क्लाइंट को इन्वॉल्व करता हूँ डिस्कशन में। क्या होता है कि हम प्लान में क्लाइंट को इन्वॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2022 में सर आज के डेट में इंटरेस्ट रेट क्या है वो खुद ही बता देता है, सर 4% है, 5% है, 6% है, तो जो भी बताता है ना सर राइट बता रहे उसको करेक्ट करो, उसको बोलो कि नहीं नहीं सर 4% नहीं है 5% है, नहीं नहीं सर 6% नहीं है 5% है, ऐसा मत बताइए सर, ऐसा बात नहीं करना है उनको। बोला सर यू आर राइट, आज SBI बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई भी नेशनल बैंक में जाते हैं तो 5% इंटरेस्ट रेट है। अभी एक कम क्यों हुआ मीन्स कम हुआ ये सभी को पता है, उसको मैं डिस्कशन में बहुत अच्छा इन्वॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ और क्लाइंट इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि कुछ हम अलग तरीके से बात करते हैं। अभी मैं प्लान को छोड़ दिया है, प्लान प्रेजेंटेशन बता दिया, अभी हम इकोनॉमी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो उसको बोलता हूँ कि कम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि 2090 के पहले ग्लोबल पैसा हमारे इंडिया में नहीं आ रहा था क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट थे ही नहीं। तो आज के डेट में हमारे पैसे की, पब्लिक के पैसे की गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है क्योंकि GST के वे बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। और जो मेट्रो का काम चल रहा है पुणे में, वो मैं पुणे में रहता हूँ तो मैं पुणे का एग्जांपल देता हूँ सर, मेट्रो का जो काम चल रहा है तो 1% इंटरेस्ट से पैसा मिला है सर गवर्नमेंट को, 1% इंटरेस्ट से यदि गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है बाहर से तो हमारे पैसे की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होते गया है। तो उसका दूसरा रीजन क्या है सर, GDP कुछ कंट्री डेवलप हो चुकी है जिसमें आता है, मैं लिख दे पेपर के ऊपर लिखता हूँ सब, जो कंट्री डेवलप हो चुकी है जिनका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है उसमें आता है US आता है, UK आता है, कनाडा आता है, गल्फ कंट्रीज आती है, चाइना, जापान, ये लिखता हूँ। और दूसरा है कि जिनका GDP ग्रोथ अच्छा है, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो कंट्री में आता है, इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, तुर्की आता है, और अपना ताइवान आता है। हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो ताइवान के बारे में मैं बताता हूँ, जो मैं TV पे सुना था कि ताइवान सर 70% सेमीकंडक्टर का सप्लाई है। ये जो कंट्री है उसका इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। अभी GDP कल ही न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि GDP 9.5% रहेगा। तो ये जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वही डिस्कस करो, जो हमें थोड़ा बहुत पता है वही डिस्कस करो क्लाइंट के साथ। तो आगे जाता हूँ मैं,
तो उसमें मैं बोलता हूँ जो कंट्री डेवलप हुई है वो हद तक डेवलप हुई है कि हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 करोड़ हम लोन लेते हैं 15 साल के लिए, तो हम रिपेमेंट करते हैं 1 करोड़ 60 लाख विथ इंटरेस्ट, 60 लाख रुपीज ज्यादा देते हैं प्रिंसिपल छोड़ के। और एग्जाम्पल देता हूँ जापान का, जापान में आप 1 करोड़ का लोन ले लो तो 1 करोड़ ही रिपेमेंट करना है, क्योंकि 0% इंटरेस्ट पे जापान में लोन मिलता है। और आप एफडी करने जाइए तो 0.5% आपसे ही ले लेगा। हम इधर इंडिया में एफडी करने जाते हैं तो हम पूछते हैं कितना मिलेगा, उधर पूछते हैं कि कितना देगा क्लाइंट को। तो ये क्या है सर कि फिर 0% पे क्या कैसे होता है ये काम, 0% इंटरेस्ट पे क्यों देती है उधर की बैंक? तो वो बैंक बोलती है कि आप लोन ले लो, फ्रिज परचेस करो, कार परचेस करो, प्लेट परचेस करो, जो परचेस करना वो करो। तो परचेस करोगे तो प्रोडक्ट, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बने रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बने रहेगा तो इकोनॉमी चलते रहेगा। एक एक ऐसी कंट्री है कि जो इकोनॉमी चला चला चल रही है, सिर्फ बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी चल रही है। और अपने इधर क्या है कि हमें इंटरेस्ट से पैसा मिलता है। अभी इंटरेस्ट क्या रहता है, रेपो रेट रहता है। फिर आगे बताता हूँ कि रेपो रेट का, रेपो रेट जो है, जो डेवलप कंट्री है उधर अप्रोक्सीमेट रेपो रेट 1% रहता है, और हमारे कंट्री में रेपो रेट 4% है। रेपो रेट क्या है कि वो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है अपने बैंकों को जो परसेंट से इंटरेस्ट देता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसी के ऊपर ही मैं, यही सेल पॉइंट है मेरा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ समझ में नहीं आता तो हम वापिस डिस्कस कर लेंगे। तो रेपो रेट क्या रहता है कि जो सेंट्रल बैंक, जो जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है अपने कंट्री के बैंकों को जो रेट से पैसा देता है उसको रेपो रेट बोलता है। तो मैं लिखता हूँ रेपो रेट, एक कंट्री का 1% है, अपने कंट्री का 4% है। फिर रेपो रेट 1% है तो उधर एफडी का रेट है 1.25%, अपना कंट्री का एफडी का रेट है 5%। फिर आगे लिखता हूँ कि फिर लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है कि उधर लोन का इंटरेस्ट है 1.5%, अपने पास अभी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.5%। ठीक है, फिर आगे बोलता हूँ कि 1990 में, आम आदमी के लैंग्वेज में बताना है तो 1990 में एक ये जो डेवलप कंट्री है उनका डेवलपमेंट 70% था और अपना अपना डेवलपमेंट 35% था। आज अपन 70% तक पहुंच चुके हैं और ये 90-95% तक पहुंच चुके हैं। हमें 70 से 90-95% पहुंचना ही है, क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि इंसान प्रोग्रेस करते ही जाता है, इंसान प्रोग्रेस करता है तो कंट्री भी प्रोग्रेस करता है। तो हमें भी 90-90% तक डेवलप करना है, वो कंट्री तक पहुंचना ही है, आज नहीं तो कल पहुंचना ही है। तो इधर डिस्कशन छोड़ देता हूँ और आगे लिखता हूँ कि 15 साल के बाद इंडिया में 2-2.4% इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि 2,40,000, अभी 2,40,000 का एग्जाम्पल दिया है हमने प्रीमियम का, तो नीचे भी 2,40,000 लिखता हूँ। 15 साल के बाद आपको 2,40,000 इंटरेस्ट चाहिए बैंक से, तो 2.4% इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो आपके पास 1 करोड़ होना चाहिए। एंड 2.4% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 1 करोड़ चाहिए, 2% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आपको, आपके पास 1.25 करोड़ चाहिए, 1,25,00,000 रुपये चाहिए। तो सर 1 करोड़, 1.25 करोड़ वो टाइम 15 साल में हमें जमा करना है, तो जमा करना है तो, और जमा करने के बाद भी आप क्या करोगे कि वो एज में रिस्क नहीं लोगे ना, वो एज में कोई तो बैंक में रख के आपको रेगुलर इनकम चाहिए, नहीं तो किसी प्रॉपर्टी में डाल दोगे तो उधर से आपको रेंटेड इनकम चाहिए। तो वैसा वर्षा क्या है कि आपके पास 1 करोड़ 1.25 करोड़ होना चाहिए 15 साल में। और बहुत बार क्या होता है कि इंसान इतना प्लानिंग नहीं करता है, तो किस 90% लोगों के पास इसका आंसर नहीं रहता है। तो ठीक है सर, 1 करोड़ जमा भी कर लिया और 2,40,000 आपको इंटरेस्ट मिल भी गया, तो 2,40,000 इंटरेस्ट मिलेगा वो तो वो टैक्सेबल रहेगा, गारंटेड नहीं रहेगा, होल लाइफ नहीं रहेगा। इधर तक ये डिस्कशन आ जाता है। फिर मेरे कुछ क्लाइंट है ना म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लान बहुत बढ़िया मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वो लोग भी मेरे पास ये प्लान लेते हैं। मैं बोलता हूँ सर 1 करोड़ 1.25 करोड़ म्यूचुअल फंड में, मान लो कि ये प्लान में आप 20,000 पर मंथ आ रहा है तो वही 20,000 का SIP करते हैं और 1 से 1.25 करोड़ रुपए आपको लमसम अमाउंट बनानी है 15 साल में, तो आपको
15-16% कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट मिलना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड से आपको 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए बनेगा। ठीक है सर, आप क्या क्या लगता है आपको, 15% से 16% से 1.25 करोड़ म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं? रेगुलर 15-16% इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड देगा? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड तो मैं खुद ही प्रमोट करता हूँ, म्यूचुअल फंड करना ही चाहिए, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिधर आज ही LIC 8% लिख के दे रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी है ना कि आप म्यूचुअल फंड में 20,000 पर मंथ करोगे तो 1.25 करोड़ बनना चाहिए, 1.25 करोड़ बनना चाहिए तो 15-16% रिटर्न मिलना चाहिए, फिर वो भी बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स कैपिटल गेन टैक्स है, 1 लाख से ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 10% कैपिटल गेन टैक्स भी देना है। लकीली आपका 15-16% से रिटर्न दे भी दिया और आपने बैंक में रख भी दिया तो 2,40,000 आपको इंटरेस्ट मिल भी जाएगा, लेकिन वो भी टैक्सेबल रहेगा, होल लाइफ नहीं रहेगा और गारंटेड नहीं रहेगा। गलती से कम इंटरेस्ट रेट मिला तो आपका वो ओल्ड एज का प्लान तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना अनसर्टेनिटी में जीने से अच्छा है कि हम 15 साल में 36 लाख रुपीस दे देंगे ये प्लान में, तो 2,40,000 LIC आज ही गारंटेड लिख के दे रहे हैं। उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी ये म्यूचुअल फंड वाला मुझे पता है क्योंकि सभी के म्यूचुअल फंड मेरे पास ही है, तो उनको मैं और एक तरीके से बताता हूँ। सर अभी लास्ट 8 साल से आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं, लास्ट 5 साल से कर रहे हैं, लास्ट कोई 8-9-10 साल से मेरे पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो मैं उनको अलग तरीके से भी बताता हूँ। सर ये प्रॉफिट तो हो गया म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये प्रॉफिट का करोगे क्या? तो हर साल इसमें से 2,40,000 हम गारंटेड प्लान में कन्वर्ट करते जाएंगे, तो दो 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 काम होंगे। आपने हमें म्यूचुअल फंड बंद नहीं करना है सर, इसको चालू ही रखना है, हमें इक्विटी के रिटर्न भी चाहिए, लेकिन हम गारंटेड में कन्वर्ट करते जाएंगे तो 15 साल के बाद क्या होगा, आपको गारंटेड प्लान का भी रिटर्न मिलेगा और इक्विटी में भी आपका पैसा रहेगा। ये तरीके से भी लोग मानते हैं और समझते हैं। फिर आगे मैं जाता हूँ लास्ट स्टेज पे, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्या सर? हेलो, कोई इशू नहीं, आगे तो, मैं लास्ट पेज पे स्पीड में जा रहा हूँ क्या? नहीं बढ़िया चल रहा है। फिर एंड में जाता हूँ कि सर ये प्लान लेना है तो कैसे लेना है, तो मैं लिख देता हूँ अप्रैल 2021, जुलाई 2021, अक्टूबर 2021 एंड जनवरी 2022। सर ये प्लान को कैसा लेना चाहिए, मैं कस्टमर को इन्वॉल्व तो किया हूँ डिस्कशन में, आगे कैसा लेना चाहिए वो भी गाइड करता हूँ। तो सर ये प्लान को कैसा लेना चाहिए, अप्रैल 2021, जुलाई 2021, अक्टूबर 2021 एंड जनवरी 2021। आप 3,60,000 का करना चाहते हो तो 90,000 के 4 प्लान लेंगे, आप 3 लाख का करना चाहते हैं तो 75,000 के 4 प्लान ले लेंगे, आप 3 लाख का करना चाहते हैं तो 75,000 ईयरली के 4 प्लान लेंगे, 2,40,000 का करना चाहते हैं तो 60,000 के 4 प्लान ले लेंगे, 1,80,000 का करना चाहते हैं तो 45,000 ईयरली के 4 प्लान लेंगे, और 1,20,000 का करना चाहते हैं तो 30,000 के 4 प्लान लेंगे। सर कितना पैसा कितना करना चाहते हैं मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक क्वार्टरली आपको पेंशन मिलेगी। ये तरीके से क्यों करना है, ताकि आपको क्वार्टरली पेंशन मिलेगी और हम बैक डेटेड जाते हैं 1 साल, तो आपको 15 के बदले 14 साल के बाद पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों जाना है, क्योंकि क्वार्टरली पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, 1 साल हम पीछे जा सकते हैं तरीके से, उससे आपको 15 नहीं, आज से भी चालू करते हैं तो भी 15 ईयर्स ही भरना है, 1 साल पीछे जाके भी चालू करते हैं तो भी 15 ईयर्स ही भरना है, उसमें कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पैसा तो 1 साल जल्दी मिलना चालू हो जाएगा, 14 ईयर्स के बाद मिलना चालू हो जाएगा। और तीसरा क्यों करना है ऐसा, जैसे कि मैंने प्लान एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था, 70 एज में यदि आपको पैसे की जरूरत है तो ब्रेक करते तो 80 लाख रुपीज मिलेगा, तो 80 लाख की आपको मान लो 70 में जरूरत नहीं, आपको 20 लाख की जरूरत है, ये 4 में से फिर एक ही प्लान ब्रेक करो ना सर, 3 प्लान चलते रहेंगे, आपको जितने पैसे की जरूरत है वो टुकड़ों में आप ब्रेक कर सकते हैं।
तो वो भी कस्टमर को अच्छा लगता है, इधर तक डिस्कशन हो जाता है। आगे कोई कस्टमर बहुत थोड़ा, आजकल क्या है कि कस्टमर बहुत टैलेंटेड है, होशियार है, कि वो उनका भी कैलकुलेशन एक करते हैं ना लैपटॉप लेके और एक्सेल में डाल के, तो वो बोलते हैं नहीं, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वो बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद मैंने स्टडी करके वो भी जो ऑब्जेक्शन है बोलते हैं ना, तो ऑब्जेक्शन को मैं डील करता हूँ। वो बोलते हैं 30 लाख नहीं, मैं तो 36 लाख रुपीज भरता हूँ। तो ऐसा कोई कस्टमर मिलता है तो फिर आगे की बात करता हूँ मैं उसको, सर मैं समझ गया आपका पॉइंट, तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा 2 लाख 40 लिखता हूँ, हम बोलते हैं 30 लाख के ऊपर 2 लाख 40 मिल रहा है तो वो होता है 8%, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम तो 36 लाख रुपीज भर रहे हैं, तो उसका 2 लाख 40 हो जाता है 6.6%। लेकिन आगे चल के वो क्लाइंट बोलता है कि ठीक है 36 लाख रुपीज भरता हूँ, लेकिन उसका जुड़ के तो 55 लाख रुपीज, 56 लाख रुपीज हो रहा है ना एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। तो फिर मुझे वो 36 लाख के ऊपर नहीं दे रहे आप, मेरे 15 साल में जो पैसा जमा हुआ है और वो जो उसके बाद बोनस जोड़ के जो जमा हुआ है 55 लाख, 55 लाख के ऊपर आप 2 लाख 40 दे रहे हैं, तो वो होता है 4.5%। मैं लिखता हूँ 30 लाख के ऊपर 8%। जो जो कस्टमर है ऑब्जेक्शन उठाता है उसको ही डील करो, सभी कस्टमर को हम न्यान देने की जरूरत नहीं है। तो 30 लाख के ऊपर 8% लिखता हूँ 2 लाख 40, मैं वापिस रिपीट करता हूँ 30 लाख के ऊपर आगे लिखता हूँ लाइन मार के 2 लाख 40, बीच में लिखता हूँ 8%, 36 लाख के ऊपर 2 लाख 40 हो जाता है 6.6%, एंड 56 लाख के ऊपर 2 लाख 40 होता है 4.5%। फिर आगे बोलता है दिस इज द राइट रिटर्न, अभी उसको आप कोई भी एंगल से पकड़ लो, 4.5% ऑल्सो नॉट बैड, टैक्स फ्री रिटर्न नॉट बैड, ये पहला मुद्दा रहता है। बाद में बोलता हूँ कि ये 2 लाख 40 ही नहीं मिलता सर, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी लगभग 1 लाख 20 से बढ़ रहा है ना, 2 लाख 40 तो आपको पे आउट हो रहा है लेकिन प्रिंसिपल भी 1 लाख 20 से बढ़ रहा है, तो आपको एक्चुअली मिलता है 3 लाख 60, 3 लाख 60 हजार रुपए मिलता है, तो 2 लाख 40 हाथ में मिलता है, 1 लाख 20, लगभग 1 लाख 20 प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो फिर आगे लिखता हूँ 30 लाख के ऊपर 3 लाख 60 मिल रहा है, 2 लाख 40 हाथ में मिल रहा है, 1 लाख 20 प्रिंसिपल प्रिंसिपल में इंक्रीज हो रहा है, तो ये होता है 12%। फिर 36 लाख के ऊपर 3 लाख 60 होता है 10%, एंड 56 लाख के 3 लाख 60 मिलता है वो होता है 6.6%। सर ये राइट कैलकुलेशन है और आप समझदार है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सर, वो परसेंटेज के ऊपर मत जाइए, वो 1% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन लाइफ में जो गारंटेड है ना वो आज के डेट में कोई लिख के नहीं देगा। तो ये सिंपल मैं प्लान प्रेजेंटेशन करता हूँ। फिर एक 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 मुद्दा रह गया जो 2 लाख 40 मिलेगा, तो अभी वो जो क्लाइंट है जिसको मैं 2 लाख 40 प्रीमियम बता रहा हूँ, तो रिटर्न बता रहा हूँ, तो वो भी किधर 10 लाख के ऊपर इनकम कमाता है, 10 लाख 15 लाख इनकम कमाता है, तो उसको ये बोलता है सर 2 लाख 40 हाथ में आना है आफ्टर टैक्स, तो आपके हाथ में 3 सवा 3 लाख रुपए आना चाहिए, तो आफ्टर टैक्स आपके हाथ में 2 लाख 40 आएगा। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ सर, कंपनी ने आपको 3 लाख का भी इंक्रीमेंट दे दिया ना, तो आपके हाथ में 2 लाख ही आता है, उसको वो प्रैक्टिकल जोड़ दो, उसका अभी रियल लाइफ से जोड़ दो, क्योंकि जिसको 15 लाख सैलरी है 3 लाख इंक्रीमेंट भी होता है तो उसके हाथ में 2 ही लाख आता है, तो उसको उसके साथ जोड़ दो, तो वो प्लान का है ना, हमें पावर बढ़ाना है धीरे, हमें गलत कुछ बात नहीं करना है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जो राइट इंफॉर्मेशन है वही देनी है, लेकिन वो उसके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़नी है। तो मेरा बहुत सारे क्लाइंट बैक डेटेड हुए हैं, और 2 लाख 40 किधर से, 2 लाख 40 प्रीमियम आता है किधर से, 1 लाख 20 आता है किधर से, 3 लाख 60 आता है, और बैक डेटिंग का भी मुझे ये फायदा हुआ कि 14 फेब को ही मेरा MDRT कंप्लीट हो गया, आज भी मेरे पास 13 क्लाइंट प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो हाँ बोले है मुझे उनका लिस्ट रेडी है, और किसी को ये हो गया एक तरीका प्लान का। दूसरा फिर उसको मैं डिवाइड भी करता हूँ, जैसा कि 2 लाख 40 का मैंने बता दिया कि क्वार्टर ईयरली 4 प्लान लेना चाहिए बैक डेटेड जाके, ताकि आपको क्वार्टरली पेंशन मिले। फिर मैं उसमें क्या ऐड करता हूँ सर, इसमें आप मैडम के नाम से 2 ले लो, आपके नाम से 2 ले लो,
उसमें फायदा क्या होता है, मुझे प्रैक्टिकली क्या फायदा हुआ, क्योंकि 40 एज है और 15 लाख का पॉलिसी सम एश्योर्ड बन जाता है, क्योंकि 30 लाख का हम 4 में डिवाइड करते हैं तो 7.5 लाख सम एश्योर्ड का 4 पॉलिसी बन जाता है, और 45 के बिलो एज है और हम 15-15 लाख का दे रहे तो ब्रांच लेवल पे कंप्लीट हो जाता है। मेरा 99% केसेस पूरा ब्रांच लेवल पे कंप्लीट हो जाता है। मैं देखता हूँ नॉन मेडिकल स्पेशल में है, किसमें है, क्या मेडिकल लग रही है, तो ये सबसे कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ ताकि हमें भी आसानी हो जाए और उसको भी कंफर्टेबल हो जाए। और लोग करते हैं, मैडम उनके वाइफ के नाम से उतना करो जितना, उसके नाम से उतना करो जितना नॉन मेडिकल में हो रहा है, बाकी का वाइफ के नाम से कर दो। वो ब्रेकअप में वो भी फायदा होता है कि 3 पॉलिसी इसके नाम से कर दी, एक पॉलिसी मैडम के नाम से कर दी, तो मैडम का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो बहुत बहुत क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस आता है, जैसा क्लाइंट वैसे हम बात करते हैं, लेकिन ये प्लान प्रॉपर प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ये प्लान प्रेजेंट करते वक्त उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। जितना भी मैं बताया तो वो क्लाइंट से ही मैं सीखा हूँ, कोई ट्रेनर ने मुझे नहीं सिखाया है। और किधर किधर मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ तो दो 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 एक दो पॉइंट मैं उधर से भी उठाया हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सब आता है, फिर उसका प्रैक्टिस किए है, प्रैक्टिस करने के बाद क्लाइंट को प्रेजेंट किए है तो वो पावरफुल प्रेजेंटेशन हो जाता है। क्योंकि हमारा एक एजेंट का रोल क्या रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो पावरफुली प्रेजेंट करो। बहुत सारे क्लाइंट के साथ तो मेरा ऐसा हुआ है, मैं गया मिलने के लिए, विजय जी मुझे अभी LIC का कुछ भी प्लान मत बताओ। बोला सर मैं आप बताओ, मैं बेचने आया ही नहीं हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा, आप लो मत लो वो आपका मर्जी। मैं ये प्लान जो बता रहा हूँ ना वो मैं सेल नहीं करता हूँ, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ। कोई ऐसा निगेटिव बात करता है, कोई क्लाइंट निगेटिव भी बात करता है ना हमसे कि नहीं नहीं बहुत हो गया प्लान, अभी अभी कुछ भी मत बात करो, तो उनको बोलता हूँ सर लेना नहीं है हमें, मुझे सिर्फ आपको बताना है प्लान, बाकी मैं उसके लिए आपको वापस कॉल भी नहीं करूंगा कि सर आप ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, मैं एक बार भी कॉल नहीं करूंगा। सिर्फ प्लान को है ना सर एक आप ध्यान से सुनना, मेरी रिक्वायरमेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। मैं आपको हमारा काम है सेल करना, लेकिन मैं आपको सेल नहीं करूंगा ये प्लान, मैं सेल किसी को भी नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं डिस्कस करता हूँ क्लाइंट के साथ। ऐसा बोल के भी 4-5 क्लाइंट ने प्लान ले लिया, कि जैसा वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं था, क्योंकि LIC एजेंट है ना हम लोग, तो क्लाइंट सुनेंगे ये जरूरी नहीं है, लेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा जो रोल है ना उसको प्रेजेंट करना प्लान, वो कैसे भी करके है ना उसको प्यार मोहब्बत से है ना वो प्लान को प्रेजेंट करो और छोड़ दो उसको उसके हाल पे। मैं गारंटी देता हूँ आपको वो 100% प्लान लेगा, आज नहीं लेगा तो कल लेगा। मैं ये गए 5 साल से प्लान बेच रहा हूँ, ये साल क्या हो रहा है कि जिनको 5 साल से मैं ये प्रेजेंट करते आ रहा हूँ ना उनके अभी क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं। हर साल तो मैं सीओटी कर लेता हूँ और ये साल मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है कि ये साल सबको ही क्लोज करेंगे, भले अगले साल से कुछ काम नहीं हो गया तो भी चलेगा, लेकिन ये साल TOT खत्म ही करना है। सब क्लाइंट को है ना ये प्लान देके खत्म ही करना है, आगे मुझे काम ही नहीं करना है, ये सबसे मैं जा रहा हूँ। क्या होता है कि एक सपना रहता है LIC एजेंट का कि लाइफ में है ना एक जो हाईएस्ट जो बोलते हैं हमारे प्रोफेशन में TOT, एक बार TOT बन दो बन जाओ। मैं मेरा पर्सनली ऐसा ही बात करता हूँ कि मेरा एक सपना है कि TOT बनना है और बनना है इसी साल बनना है। लास्ट 5 साल से मैं लोगों को जीवन उमंग के बारे में बता रहा हूँ, आज भी जाता हूँ क्लाइंट के पास, उनको बताता हूँ सर ये प्लान मैं आपको 4 बार प्रेजेंट किया है, अभी 5वीं बार प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, 4 साल में मैं आपको कभी तंग किया, कभी आपके पीछे पड़ा प्लान ले लो नहीं, फिर ये बार भी आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है क्या हो रहा है कि 5 साल में है ना, पहले साल जब प्लान एक्सप्लेन किया था तब कुछ कमियां रह गई थी, सेकंड ईयर में और कुछ कमियां कम कम करते गए ना, अभी हम एक्सपर्ट हो गए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हो गया अभी जीवन उमंग प्लान समझाने में, नहीं तो प्रेजेंट देने में। पिछले साल वो चीज नहीं बताई थी कि जो GDP की चीज नहीं बताई थी, फिर कुछ तो रह गया था, तो ये साल मैं वापिस प्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों को। अभी कस्टमर को बोलता हूँ ये सब एक्सप्लेन करने का, कोई सर रियली कोई क्लाइंट को मैं 5वीं बार प्लान बता रहा हूँ, लगातार 5 साल से ये 5वीं 6ठी बार प्लान बता रहा हूँ, कस्टमर सुन भी रहा है
और लास्ट में मैं डायलॉग बोलता है, सर 5 साल से मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं, कुछ तो बात रहेगी ये प्लान में, इसलिए तो पांचवे साल भी बता रहा हूं आपको। अभी अभी मैंने एक फंडा चालू किया, ये सभी को प्लान बता भी रहा हूं, और इस साल मैं ये भी अभी बता रहा हूं कि सर अभी किसी को डेढ़ महीने पहले 2 महीने पहले किसी को एक्सप्लेन किया था, उनका फॉलोअप भी ले रहा हूँ। अभी कल मैंने करीब करीब 5 लोगों को कॉल किया, सर कैसे है क्या है, एक महीने के बाद फॉलोअप ले रहा था कि सर क्या चल रहा है, सब इधर उधर की बात हो गई। सर स्पेशली इसके लिए मैंने फोन किया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन हमने जो प्लान डिस्कस किया था वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो सर 5 में से है ना सर 3 लोग रेडी हो गए, सर देखते हैं सर कैसा हम ले सकते हैं प्लान को। देखो हमें जरूरत है ना तो कर दो प्लान को क्लोज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्लाइंट क्या अप्रैल में नाराज होने वाला है हमारे ऊपर, सर हमें झूठ बताया प्लान बंद नहीं हुआ, बता देंगे ना उसको सर एक्सटेंड कर दिया LIC ने प्लान को ऑफिस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस साल ऐसा है ना कि एक तो एक MDT का टारगेट इतना नहीं बढ़ाया है, जैसे कि कोविड के पहले 10 लाख टारगेट था MDRT का, अभी भी 8 लाख है, तो 20% कम भी है आज के डेट में। कोविड पूरा चला गया, पूरा दुनिया चालू हो गई है, तो सभी लोग कमा रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं कमा रहे हैं। तो ये साल ऐसा काम करो कि करो नहीं तो मरो, जिनका COT का सपना है, जिनका TOT का सपना है, एक बार खत्म कर दो वो सपने को है ना, एक बार खत्म कर दो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये साल मैं वही जुनून से काम कर रहा हूँ कि हर एक क्लाइंट को मुझे मिलना है, प्लान को ऑफिस रिपीट करना है, वापिस प्रेजेंट करना है उसको, वापिस इंस्टीट करना है कि उसको वो प्लान ले ले, लेकिन हाँ क्लाइंट को परेशान नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्लाइंट को प्लान बताते हैं और उसका डेली फॉलोअप चालू हो जाता है, वो इरिटेट नहीं करना, क्लाइंट को इरिटेट नहीं करना है, क्लाइंट को हमें एजुकेट करना है, ये प्लान प्रेजेंटेशन देना है, क्यों लेना चाहिए वो बताना है, कैसा लेना है वो बताना है, प्रॉपर वे से बताना है, हो जाएगा काम। ऐसा नहीं कि 10 लोगों को एक्सप्लेन करते तो 10 लोग लेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये प्लान पसंद आ रहा है और मार्केट में बहुत चल रहा है। उसके साथ मैं ये भी दिखाता हूँ, देखो सर हमारे पूना ब्रांच में, पूना डिवीजन में पूना सिटी में, उनको डिवीजन नहीं समझता है क्लाइंट को, तो पूना सिटी में पिंपरी में एक क्लाइंट ने 1 करोड़ का पॉलिसी लाया, 1 करोड़ पॉलिसी कोई क्लाइंट भर रहा है, 1 करोड़ प्रीमियम कोई क्लाइंट भर रहा है। तो वो भी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सर इसका 2-3 आंसर है, वो क्यों, तो 1 करोड़ ये तो पहला आंसर है कि उसके पास पैसा है इसलिए भर रहा है, अपना कॉमन आंसर है कि 1 करोड़ सर देखो ये जीवन उमंग में लोग कितना पैसा भर रहे हैं। मैं 3-4 एग्जांपल भी रखता हूँ, 80 लाख प्रीमियम का, 1 करोड़ प्रीमियम का, तो मुंबई में भी एक कुछ 2 करोड़ 25 लाख प्रीमियम किसी ने लाया था जीवन उमंग में, वो उनके फ्लैश, वो एक पॉलिसी का मेरे पास स्टेटस रिपोर्ट भी है जिसमें 80 लाख रुपीज प्रीमियम है, तो वो सब मैं क्लाइंट को दिखाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ सर ये लोग क्यों भर रहे हैं प्रीमियम, पहला आंसर है कि सर उनके पास पैसा इसलिए वो भर रहे, दूसरा आंसर है कि पैसा है लेकिन इसी प्लान में क्यों भर रहे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो जो 80 लाख रुपीज प्रीमियम भरता है उसका मैं कोटेशन भी निकाल के दिखाता हूँ, जैसा उसका कोटेशन निकाला तो जो 80 लाख रुपीज भरता है उसका मैं स्टेटस रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसका कोटेशन निकालता हूँ, देखो सर 80 लाख का प्रीमियम है लेकिन 77 लाख है ऊपर का उसका सर्विस टैक्स है, जितना वो सर्विस टैक्स भरता है उतना तो हम प्लान लेना चाहिए ना सर। देखो जितने तरीके है ना हमें कस्टमर को कन्विंस करने को, सब यूज करना चाहिए। फिर मैं और आगे जाके मैंने जो लिया मेरे वाइफ के नाम पे 2,40,000 के 6 प्लान लिया जीवन उमंग के, वो भी दिखाता हूँ। फिर मेरे बेटी के नाम से 1,20,000 का उसका बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से लिया, वो भी दिखाता हूँ। देखो कस्टमर को है ना ये चाहिए कि यार मैं अकेला तो नहीं ना ले रहा हूँ, पूरा दुनिया में मैं अकेला तो नहीं ना कि जो ये प्लान ले रहा हूँ, तो उसको दिखा दो दुनिया में सब लोग ले रहे हैं, तो ये 4-5 मैं फ्लैश दिखाता हूँ, वो दिखाने के बाद मैं खुद के फैमिली के जीवन उमंग के प्लान दिखाता हूँ, और उतना होने के बाद मेरा एक अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और ये मत सोच के जाइए कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, बहुत बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं एक इंसान का एक माइंडसेट रहता है ना कि अरे यार ये 8 साल हो गया इसने प्लान नहीं लिया, ये LIC में बिलीव नहीं करता है ये प्लान नहीं लेगा, लेकिन ये प्लान का ऐसा जादू है जो LIC में बिलीव नहीं करता है, जो LIC पॉलिसी में बिलीव नहीं करता है ना वैसे लोग ज्यादा ले रहे हैं।
नहीं तो 1 करोड़ उसने पहले क्यों नहीं डाला, पहले भी डाल सकता था ना एलआईसी के प्लान में, आज ही क्यों 1 करोड़ 80 लाख इतने बड़े प्रीमियम आ रहे हैं? क्योंकि ये प्लान है ना, बिलीव हो रहा है, लोगों को बिलीव हो रहा है, और बिलीव देने का काम अपना है। बस सर, और कुछ बात करना है? सर म्यूट, अनम्यूट कीजिए सर। बढ़िया हो गया है। अभी अभी थोड़ा सा कंक्लूशन में आने के पहले है ना, मैं मिस्टर होनराव साहब को जो है बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्ति है, उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो शायद होनराव साहब को जानते नहीं लोग। सर मुझे एक बोलना है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछने दीजिएगा। हाँ हाँ, वो भी मैं थोड़ा स्पीड में चला गया। अभी कोई पार्टिसिपेंट्स, सबको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये जब कोई एक बात कर रहा है तो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनका बातचीत खत्म होने के बाद बिल्कुल डिसिप्लिन से फिर नेक्स्ट, किसी को कोई अगर पूछना चाहोगे तो पहले जो है आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके। कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, गुड मॉर्निंग विजय। हाँ, सवाल ये है, ये मैं प्लान प्रेजेंटेशन मैं भी कर रहा हूँ, काफी क्लाइंट के प्लान प्रेजेंटेशन किया, सबने हाँ बोला, बहुत बढ़िया प्लान, वंडरफुल। तो उसके बाद क्या बोलता है? ओके सर, आई विल कम बैक टू यू। अच्छा, ये जो कम बैक टू यू, उसका उसका इंतजार में महीना भर निकल गया। जब मैंने फोन फॉलोअप किया, रिपीट फॉलोअप करने के लिए फोन जब किया या व्हाट्सएप मैसेज दिया, ना तो फोन रिसीव किया ना तो व्हाट्सएप का जवाब दिया, तो उसमें क्या हो रहा है विजय? ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा। हमने बोला इतना बढ़िया क्लाइंट है, इतना अच्छा पे पैकेज है, और हमने तो मैंने प्लान जो पैकेज जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, मिनिमम 5 लाख 6 लाख का प्रेजेंटेशन दिया। एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन दे एक्सेप्टेड व्हाटएवर आई हैड टोल्ड देम विजय, बट उसके बाद मिलन दा आई कम बैक टू। अरे बाप रे बाप, वो कम बैक का चक्कर में इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है विजय, इसको कैसा टैकल? अभी 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 मैं क्या कर रहा हूँ सर, मिल तो बहुत सारे लोगों को हूँ, रिजल्ट का जो रेशियो है वो 10 लोगों को बता रहा हूँ तो 2-3 क्लोजिंग हो सकते हैं, इतना ही मेरा भी रेशियो वही है, बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, 10 में से 3 क्लोजिंग का रेशियो है। क्योंकि अभी मैं कल से क्या चालू किया कि जितने लोगों को अभी तक एक्सप्लेन किया था, करीब करीब मैं 300 लोगों को एक्सप्लेन किया रहेगा अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कुछ क्लोज भी हो गए, क्लोज हो गए इसलिए तो मेरा सीओटी एंड फेब में एमडीटी हुआ। अभी बचे भी बहुत सारे लोग है, और मिलना भी करीब करीब मुझे लगभग 100 लोगों को है, मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट उतने लोगों तक पहुंचना है मुझे। तो मैं अभी जिनको एक्सप्लेन किया और जो पॉजिटिव थे, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है ना, मिलने के बाद ही बनता है, पहला जो रहता है ना, मैं जिनको मिलना चाहता हूँ मिलना है, वो मेरा सस्पेक्ट लिस्ट रहता है, और जो पॉजिटिव मैं वो लिस्टिंग किया है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी, जैसा मैं मिलता हूँ, जैसे आपने बात किया मिला बहुत अच्छा रिस्पांस दिया तो ए कैटेगरी में आ गया, कि 100% लेगा, जो मुझे कॉन्फिडेंस है कि 100% लेगा वो ए कैटेगरी में आ गया, जो थोड़ा सा एक बार पुश करने की जरूरत है वो बी कैटेगरी में आ गया, जिसको और थोड़ा ज्यादा पुश करने की जरूरत है तो वो सी कैटेगरी में आ गया, जो लेना ही नहीं चाहता है तो वो डी कैटेगरी में आ गया। तो ये कैटेगरी के हिसाब से मैं जाता हूँ, ये हो गई प्रोस्पेक्ट लिस्ट, मिलने के बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी होती है। अभी मेरे पास जैसे मैंने बताया कि 13 लोग है कि जो 100% लेंगे, क्योंकि उनको फॉलोअप करने के बाद वो लेने के लिए रेडी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, कि जैसे कि कोई बोल रहा है मार्च के 1st वीक में करेंगे, मार्च के 15 डेट को करेंगे, अभी 13 केसेस से मेरा काम नहीं होने वाला, तो मुझे वो संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है, तो मैंने एक आइडिया क्या किया कल से, कि मैं क्लोजिंग का फॉर्मूला अभी चालू किया वो लोगों के ऊपर, सर कॉल कर रहा हूँ, और मैं कॉल है ना बहुत बहुत लिमिटेड करता हूँ, कि जैसा 20 दिन पहले एक्सप्लेन किया था तो 20 दिन के बाद कॉल कर रहा हूँ, 20 में कभी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, एक तो ऑन द स्पॉट क्लोज हो गया, नहीं तो वो जो बोला मंथ एंड पर आ जा अपन कंप्लीट करेंगे, नहीं तो जनवरी के 1st वीक में, तो उनको मैं कॉल करके जाता हूँ, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि एक्सप्लेन करके हो गया है प्रॉपर। फिर अभी कॉल क्या किया मैंने, सर वो प्लान क्लोज हो रहा है,
मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मार्च एंड को ये प्लान क्लोज हो रहा हो, क्योंकि LIC को भी लाइफ टाइम 8% देना पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम ऑफिस मिलते हैं, एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि हम बैंक डेटिंग जाएंगे और ये, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो सब मंथली से भी इसे से भी हमें ये प्लान को लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप बता दो, मुझे आपके पास आना है, नहीं तो हम मिलके एक सैटरडे संडे वीकेंड को मैं आता हूँ आपको कॉल करके, एक बार रिव्यू लेते हैं जो डिस्कस किया है, और आपको जो पॉसिबल होता है आपके लेवल पे उतना प्लान चालू कर देते हैं, क्योंकि ये प्लान को हम मिस नहीं करना चाहते। तो अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग तरीके से बात करना है, सभी एक तरीका नहीं चलेगा। तो मेरा वही कोशिश है कि मार्च तक जो क्लोज होने के बाद भी नहीं लेना चाह रहा है तो खत्म करो, उसका काम ही खत्म हो गया ना सर। राइट, हाँ, हम जज कैसा करेंगे, वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। किसी के मन में तो हम गए नहीं, किसी के दिमाग में तो हम गए नहीं, लेकिन जिसको प्लान पसंद आया, एक बार ऑफिस मिलके रिव्यू कर लिया और उसको बता दिया कि ये 31 मार्च को बंद हो रहा है, अभी बंद हो रहा है और तो भी मंथली 10,000 देके भी नहीं चालू कर रहा है, तो उसको वो प्लान नहीं ले पा रहा है। कुछ तो उसके रीजन हो सकते हैं, पैसे का रीजन हो सकता है, कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, नहीं तो उसको नहीं लेना है ये भी रीजन हो सकता है। कुछ ऑब्जेक्शन है तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके हमें ये नहीं कि, मैं तो ये भी बोलता हूँ 3,60,000 नहीं है तो 2,40,000 का करो, 2,40,000 नहीं तो 1,80,000 का करो, और लास्ट में 1,20,000 का बताता हूँ, 1,20,000 के मैं नीचे नहीं बताता हूँ। लेकिन कोई कोई लोग बोलते इससे कम नहीं है क्या, फिर बोलता हूँ सर है ना सर 60,000 भी है। देखो मुझे क्लाइंट को छोड़ना नहीं है। बराबर, धन्यवाद। हो गया क्लियर मिलन सर? ओन रहो। गुड मॉर्निंग सर, आ जाओ ना फोटो में, आपका दर्शन हो जाए सब। वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, वो मार्केट में चले गए, उनका वीडियो स्टार्ट नहीं करेंगे, बात कर लो। ठीक है बताइए। बोलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। होन रहो सब। आपने मेरा जो टारगेट है सितारा सर ने पूरा कर दिया है। आप मैं सितारा सर के पास गया था उनको घर मिलने, वो टाइम से मैंने तय कर दिया कि मैं 1,00,000 रुपए डेली आने वाला है। 1,00,000 रुपए लाके, 1,00,000 रुपए डेली आता है तो भी घर जाता है। अभी मैं 5 तारीख से शुरू किया इंश्योरेंस, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से आपके पास आने के बाद मैं हर डेली 1,00,000 रुपए लाता है। मेरा टारगेट इस साल का टारगेट बताइए आपका। एक ये साल का टारगेट सीओटी है सर। गुड। ये मैं ओनर साहब, बहुत धन्यवाद और आपका बहुत शुभकामना है। ये एक जो है साहब है, इनका सिर्फ एक दिन का, सिर्फ थर्सडे का बताता हूँ, एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया का नंबर 1 ऑनियन का व्यापारी है। सिर्फ थर्सडे के दिन इनका 5,00,000 रुपए का इनकम है और खुद का बैंक है, खुद का जो है माल है, सब कुछ है। उसके बाद इतना बिजी शेड्यूल है, इसके बीच में LIC का भी काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, इनका सभी जो पहचान के लोग इनके पास पैसे, मतलब पॉलिसी ले रहे हैं, इनको भी सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब सब कुछ करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं और लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, और हर साल जो है MDRT मीट में जाते हैं, उसके अलावा परिवार के साथ एक यूरोप का ट्रिप भी करते हैं। तो ये है होनराव साहब का पहचान है, और होनराव साहब का जो है कभी मौका मिले तो आप लोग जाके मिलके आइए, उनका काम करने का स्टाइल, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं ये LIC एजेंट। सर मुझे इतना याद है कि ओनराव सर से जब मिले थे तो बोले थे हमें कि मैं मेरे बिजनेस में, उनका बिजनेस थोड़ा अलग है, मैं मेरे बिजनेस में 10,000 रुपए कमाता हूँ तभी घर जाता हूँ। तो आज मैं अलग सुन रहा हूँ कि 1,00,000 रुपए प्रीमियम लाता हूँ तो घर जाता हूँ, तो उनको भी समझ में आ गया है कि LIC में ज्यादा पैसा है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा है। बाकी पेमेंट तो आता है, पर LIC का पेमेंट जो है 1,00,000 रुपए लाने का, बाकी धंधा अपना अलग है। LIC जो लाने का, LIC का अपना जो बजट है
हर साल 1,00,000 रुपए आपने हर पर डे 1,00,000 रुपए प्रीमियम कौन सा वही तो मैं बता रहा हूँ 1,00,000 प्रीमियम लाते हैं तो 35,000 कमीशन मिलता है ना तो कम मेहनत में मिलता है एज कम्पेयर टू जो अदर मेहनत चालू है। ठीक है अभी हमने जो वादा किया था 8 बजे तक कदम करेंगे करके जो मुझे पूरा उम्मीद है जो विजय सिंधे जी ने जो 5 साल से जो है उनका अनुभव सिर्फ जो है एक ही प्लान को बेच रहे हैं और बार बार कस्टमर को जो है रिव्यू कर रहे हैं। देखिए रिव्यू कर रहे हैं 5 साल का पहले जो कस्टमर है उसको मतलब 5th ईयर का पहले बताया 4th ईयर का पहले बताया 3rd ईयर का पहले बताया सेकेंड ईयर का पहले बताया आज बता रहा है तो साथ साथ में जितने बार बताया नया इंफॉर्मेशन को ऐड किया और उसका जो है कंसेप्ट को और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाया और साथ साथ में अपना वैल्यू को बढ़ाया वैल्यू को मतलब खुद के ऊपर नॉलेज को इंसर्ट किया और उसको सामने जाके बताया और सामने जाके एजुकेट किया और कस्टमर इज गॉड मतलब वो उसका पूरा अधिकार है। हम भगवान के पास भी जाके प्रार्थना करते हैं वो क्या एक ही बार में आपका जो है पूरा प्रश्न होके आप जो भी मांगा है मैं दे दूंगा करके बोलते हैं क्या जब भगवान नहीं दे सकता आपको एक ही बार में कस्टमर से कैसे आप उम्मीद रखते हैं मैं मिलते ही वो पॉलिसी ले लेगा करके उसके बाद जाके आपको रिव्यू करना पड़ेगा बार बार आपको बार बार बताना पड़ेगा नया चीज को ऐड करना पड़ेगा और रीसेल करना पड़ेगा। तो सर मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेता हूँ अभी ऐसा हुआ ऐसा है कि सभी क्लाइंट को मिलते हैं ना हम तो एक एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल भी देना चाहूंगा। 5 साल पहले जिनको मैंने हस्बैंड वाइफ को 1,80,000 ईयरली प्रीमियम का जीवन उमंग दिया था उनके पास गया था अभी उसको 20 दिन हो गए तो बोले विजय जी कुछ नया आया है क्या मैं बोला मैडम एक काम करो बताता हूँ पहले चाय पानी पिलाओ मुझे तो बैठा 2 मिनट मैं बोला कि मैम आपने हमने एक प्लान लिया था 3,60,000 रुपए हस्बैंड के नाम पे सर के नाम से 1,80,000 और आपके नाम से 1,80,000 तो उसको 5 साल पूरा हो गया अभी बचा सिर्फ 10 साल है और आप पूछ रहे कि कुछ अच्छा आया है क्या तो ये प्लान को ही आप रिपीट करो पहले जब आपने प्लान लिया था ना उसमें 15 साल भरना था अभी जो प्लान लेंगे उसमें सिर्फ 10 साल ही आपको जेब से भरना है क्योंकि 10 साल के बाद क्या होगा कि पहले वाले का 1,80,000 मिलना चालू हो जाएगा ना। हाँ बराबर हाँ और 15 साल के बाद आपको दोनों प्लान का मिलके 3,60,000, 3,60,000, 7,20,000 मिलेगा तो मैं ये भी कर रहा हूँ कि जिन्होंने पहले प्लान लिया है 5 साल पहले 4 साल पहले 3 साल पहले 2 साल पहले तो उसमें ऐड भी कर रहा हूँ उसको दिया है तो उसके वाइफ के नाम से ले लो बोल रहा हूँ मीन्स एक ही प्लान को मैं थोड़ा ज्यादा फोकस किया हूँ और लोग ले भी रहे हैं लोग ले भी रहे हैं इसी को बोलते हैं रीसेल इसी को रीसेल बोलते हैं ना ले भी रहे हैं लोग। हाँ दूसरी चीज जो है जैसा विजय ने बोला मतलब एक बार कदम कर दो उसको एक बार मतलब टीओटी कदम कर दो अगले साल काम होगा तो नहीं होगा होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन एक बार शेयर को तो हासिल करो किल द मस्केटो या किल द टाइगर किल द मस्केटो या किल द टाइगर आपको मच्छर को मारना चाहते हैं या टाइगर को मारना चाहते हैं मच्छर को मारोगे पहले भी आपका नाम कहीं भी नहीं था टाइगर को मारोगे तो आपका टीओटी का मतलब हासिल होगा नाम भी होगा पूरा। और दूसरी चीज जो है हमारा गुरुवर विवेक साहब है गोवा से वो जुड़े हैं तो उनका डिमांड था अपना मिनी लैपटॉप का मैं सारी टू से अभी तक मैं उनको भेज नहीं पाया क्योंकि इधर पुणे में इतना डिमांड था मेरे पास आने के पहले वो पूरा कदम हो रहा है अभी सरप्लस मतलब मंगाया हूँ विवेक साहब को जो है सोमवार को अगर आज पोस्ट ऑफिस से तो आज स्पीड पोस्ट में चले जाएगा और एक भी साहब का ड्यू है भेजने का मैं उनसे माफी चाहता हूँ उनको टाइम पर भेज नहीं पाया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि उधर थोड़ा सा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था वो सब ओके मतलब मेरे को कल शाम को आया है गोवा से विवेक साहब जो है पहले हमारा आदरणीय गुरुवर रहे हैं अभी वो जो है एजेंट बने हैं तो उनको मैं भेज दूंगा और साथ में और एक साहब का भी उनको भी भेज दूंगा और साथ में आखिर में ये मैं कहना चाहूंगा अगले बार जो है हम
एक नया विषय लेके आ रहे हैं। नया विषय क्या है, हम जीवन लक्ष्य के बारे में अगले सेशन में बात करेंगे। आज से जो है 21 दिन के बाद ये होगा, उसके पहले मैं चाहूंगा ये मार्च में आप लोग में से कई लोग जो है बहुत कुछ काम करने वाले हैं। आप लोग जो है अपना जो भी हासिल करते हो अपना गुरु और ग्रुप में जो है आप उसको प्रकट कीजिए, मतलब डिक्लेयर कीजिए। उससे क्या होगा, जो लोग मतलब रुके हुए हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, आपसे एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसा कल होनराव साहब ने मैसेज मिलते, पर्सनल मैसेज मिलते मैंने ग्रुप में डाला, लोगों ने उनको विशेष किया। विशेष किया तो आपको भी विश करने का पात्र एक दिन बनना है, मतलब आपने भी अपना पहला एमडीआरटी जितने जल्दी डिक्लेयर करोगे। ये जो है सीओटी टीओटी एक मामूली बात नहीं है, जितना जल्दी पहला स्टेप मतलब पहला एमडीआरटी करोगे तब जाके आपको सीओटी टीओटी की ओर जा सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है मेरे को थोड़ा सा बताते हुए थोड़ा सा शर्म भी आ रहा है, 80 लोगों में से 30 लोग आया, या तो वो इतना सुबह सुबह कस्टमर के पास गए हैं केस क्लोज करने के लिए, या तो सो रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसा कस्टमर नहीं देखा है 6:30 बजे बुला के आपको जो है चेक दिया हो, मैंने तो 20-22 साल में नहीं देखा। ये समय ही हमने रखा है ऐसा जो कि आप डिस्टर्ब ना हो। अगर ऐसा है 6:30 बजे का कस्टमर आपको मिल रहा है चेक दे रहा है, तो अगला सेशन हम 4:30 बजे का शुरू कर देते हैं, मंजूर है क्या? ये मतलब हम लोग चाह रहे हैं ना, हम अपने लिए ये मतलब ग्रुप नहीं बनाया, ये ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, बेशक एक व्यक्ति आएगा ना फिर भी सेशन चलेगा। मैं अकेला दौड़ना शुरू किया था, अभी हजारों लोग मेरे साथ दौड़ रहे हैं। जिस दिन एक भी दौड़ेगा मेरे साथ उस दिन उसका भी हाथ पकड़ के मैं दौड़ते रहूंगा। मेरा तो जो दौड़ना है मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए। मैंने तो आप लोगों को मतलब बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा उम्र के मुताबिक कुछ जो है लैंग्वेज अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो बातें जो है वैसा जो है ग्रुप में जितना भी है उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जितना भी आज तक इंश्योरेंस ऐसा एक सब्जेक्ट है आज तक इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ। इवन जो इंश्योरेंस को क्रिएट किया प्रोडक्ट को वो भी उसमें एक्सपर्ट नहीं है। जो इंश्योरेंस जो है सपोज समझ लीजिए जीवन उमंग जिस व्यक्ति ने बनाया वो भी जाके फर्स्ट मतलब मैंने ये जीवन उमंग बनाया हूं मैं आपको बेच रहा हूं ले लो, उसे भी मतलब बेच नहीं पाएगा। मेरा बात समझ रहे होंगे आप लोग, जब जिसने क्रिएट किया वो ही नहीं बेच पाया, जिसका क्रिएट किया हुआ चीज को हमको बेचने के लिए समय लगेगा, दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगा। अभी विजय को देख के 5-5 साल का मेहनत है, अभी वो रंग ला रहा है, वो हरकत करते रह रहा है, इसलिए उसको बरकत मिलते जा रहा है। तो इसी के साथ जो है जो भी लोग जो है आए हैं अगले सेशन में बढ़िया लोग का संख्या होना चाहिए, और सभी लोग हम वी गेट टुगेदर गो टू अचीव आवर टारगेट। और एक बात बताना चाहता हूँ कि सॉरी जैसा मुझे याद आ रहा है वैसा मैं बता रहा हूँ, सॉरी डिस्टर्ब किया। इसमें और एक मैं सिंपल बहुत कैलकुलेशन करता हूँ कि 20 जीवन उमंग बेच दिए 1,20,000 के तो एक एमडीटी हो जाता है, 60 बेच दिए तो एक सीओटी हो जाता है, और 1,20,000 बेच दिए तो टीओटी हो जाता है। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान लगता है, 20 जीवन उमंग बेचने तो हमें 40-50 लोगों के पास जाना है, 1,20,000 का प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन मैं अभी हैबिट चेंज किया लास्ट ईयर से, मैं प्रेजेंटेशन ही 2,40,000 का देता हूँ। उसका फायदा क्या हो गया कि कभी कभी एक पॉलिसी में एक ही घर में 1,20,000 का दो हो जाता है। तो भी देखो एक सिंपल वे से भी हमें जाना है, टीओटी करना सीओटी करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हम क्या सोचते हैं
उसके ऊपर है। हम सोचेंगे हमें पॉसिबल नहीं है तो कभी नहीं होगा लाइफ में, लेकिन हम सिंपल तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि चलो मुझे पहला एक टारगेट लेना है कि 20 जीवन उमंग बेचने हैं, 1,20,000 प्रीमियम देने वाले। तो एक टारगेट को है ना टुकड़ों में ले लो, मैं तो टुकड़ों में ले लिया, मुझे टीओटी कोई बोलेगा ना तो भी चक्कर आ जाएगा अभी के अभी, क्योंकि मैं भी बहुत सामान्य एजेंट हूँ, तो मैं बहुत टुकड़ों में जाता हूँ कि 20 पहले 20 का मुझे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। मैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाता हूँ मिलने के बाद, मेरा एक वो एक स्पेशलिटी है, पहला बनता है सस्पेक्ट लिस्ट, पहला 20 लोगों का नाम निकलता हूँ मिलने के बाद कि जो लेना चाहता है, तो 20 बनता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो आगे का 20 का लिस्ट बनाता हूँ, पहले 20 वाले को क्लोजिंग का कोशिश करता हूँ, कोई क्या कोई अभी 20 लोग बोल रहे हैं कि लेंगे और मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो लेंगे, और उसमें से भी 2-4 लोग नहीं लेते हैं ना, तो उसको सिर्फ रिप्लेस करता हूँ मैं कि ना ये नहीं ले रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, ये नहीं ले रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, मुझे तो रिप्लेसमेंट देख के मेरा टारगेट कंप्लीट करना ही है। तो सिंपल तरीके से सोच के भी हम जा सकते हैं, 2,40,000 के 10 क्लाइंट होते हैं तो 1 एमडीटी होगा, 1,20,000 के 20 होंगे तो 1 एमडीटी होगा, 60,000 के 40 कस्टमर होंगे तो 1 एमडीटी होगा, तो अलग अलग कैटेगरी के हमें क्लाइंट मिलेंगे ना, 3,60,000 के 7-8 क्लाइंट मिल जाएंगे 3,60,000 प्रीमियम देने वाले तो 1 एमडीटी हो जाएगा। तो ऐसा अपने टारगेट को है ना डिवाइड करके है ना, और लेकिन इसमें बहुत इंथुसिएज्म चाहिए और फुल मोटिवेटेड हमें काम करना है, तो क्योंकि हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं, ना LIC के लिए काम कर रहे हैं, और पैसा कमाना है तो फिर उतना मोटिवेशन तो चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन और इतना इंथुसिएज्म तो चाहिए, 10 लोग ना बोलेंगे तो क्या होगा, 11 हो तो ले लेगा। अब हम अपना एक्टिविटी करते रहना है, रिजल्ट आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद विजय जी। अभी फाइनल डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, जो है 31 मार्च तक जो MDRT करेगा वो TOT कर तक जा सकता है, और 80% तक जाएगा वो COT तक जाएगा, जो 80% जो MDRT कमीशन करेगा वो COT तक जाएगा, और 31 मार्च के पहले जो MDRT डिक्लेयर करेगा वो TOT तक जाएगा। तो उनके लिए जो पुणे में है या पुणे से बाहर कोई भी है, उनका एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट का ऊपर जो मजबूत पकड़ है, ऐसा ट्रेनर को हम आपके सामने पेश करना जा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, उल्टा जो है आपको जो है पूरा दिन नाश्ता खाना सब हमारा टीम के तरफ से होगा, लेकिन आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा MDRT 31 मार्च के पहले। तो 31 मार्च के पहले आपका MDRT करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, आप पूरा मतलब प्रूफ भेजेंगे मैंने MDRT हुआ करके। उनके लिए जो है ये एक फुल डे सेशन होगा, पूरा फुल डे सेशन एक होगा, उसमें पूरा आपको सब कुछ मतलब सब्जेक्ट विब्जेक्ट के ऊपर बहुत मतलब ऑल इंडिया का एक टॉप ट्रेनर है। तो उसके बाद 21 दिन के बाद 3 ट्रेनिंग होगा आपको, मतलब अपना TOT में या COT तक कैसा जाना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, और एक व्यक्ति का उसका कीमत जो है 71,000 है, मतलब इसका जो कास्ट है 71,000 है, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में देने वाले हैं। और वो फ्री ऑफ कास्ट में आपको लेना है तो आपको कुछ करके दिखाना तो पड़ेगा, आपको 31 मार्च तक आप MDRT करोगे तो उसमें, क्योंकि हमें क्या है 80 लोग हैं आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या दे रहे हैं, हमें मतलब उस हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो खुद को रिजल्ट दे रहा है, उसको जो है कमीशन मिल रहा है, ये TOT गुरुकुल को नहीं देने वाला है, वो अपना घर पे रखने वाला है हमको, लेकिन उसका जो है ऊंचाई में हम पहुंचाना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा मतलब हम भी कारण रहे हैं, तो वही हमारा खुशी है। उसके लिए देखिए 81,000 रुपीज का एक आदमी का, अगर समझ लीजिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, अगर 10 लोग भी अपना ग्रुप से 80 लोगों में से मार्च के पहले MDRT करते हैं, 81,000 गुना 10 हमारा कितना खर्चा होने वाला है, मेरा एक MDRT का कमीशन उसमें जाने वाला है। तो आप आपका दिमाग में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं,
इट इज एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू, आपका मर्जी है। आप MDRT करना चाहते हैं 31 तारीख के मार्च के पहले, नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं करेंगे मेरे लिए अच्छा है, उतना खर्चा मेरा कम हो जाएगा, आप करेंगे मेरा खर्चा बढ़ेगा। तो मेरा खर्चा बढ़ाना चाहते हैं तो आपका इनकम बढ़ाओ, मेरा खर्चा बढ़ाना चाहते हैं आपका इनकम बढ़ाओ, बिल्कुल सिंपल प्रोपोर्शन है। इससे ज्यादा मैं ज्यादा मतलब कुछ समझा नहीं पाऊंगा। और विजय शिंदे ने जो है पूरा 5 साल का कम से कम, मैं उसके नजदीक से मतलब मैं फॉलो करता हूँ, हर घड़ी उसके साथ रहता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा वर्ड ऐसा रहा, बेचारा बेचारा सुबह से 9 बजे से रात को 9 बजे तक इतना काम करता है, इतना काम करता है, मेरे को तो लगता है उसका चमड़ा घिस जाएगा। सर क्या होता है कि बहुत बार हम सुनते हैं इसने इतना 80 लाख प्रीमियम लाया, उसने 50 लाख प्रीमियम लाया, मेरा कैपेसिटी उतना नहीं है, मैं सिंपल एजेंट हूँ, तो मुझे तो करना है, भले फिर मेरा बड़ा पहचान नहीं है, बड़ा क्लाइंट नहीं है, उनके पास मैं नहीं जा सकता, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड रहता है, जो सर्कल रहता है सोसाइटी का, हमें उसमें ही काम करना है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है ना मेरे पास, हार्ड वर्क, तो मुझे तो अचीव करना ही है, कोई ऐसा करो नहीं तो वैसा करो। तो कुछ ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ जो है आज 27 तारीख हो गया है, कल बहुत बढ़िया महीने का बढ़िया जो है दिन क्लोज हो रहा है 28, मतलब कल का मतलब परसों, लेकिन आज और कल 48 घंटा, ये 48 घंटे में मैंने खुद टारगेट रखा हूँ अपने लिए 4 लाख रुपया प्रीमियम का, मैंने अपने लिए 4 लाख रुपया का प्रीमियम का मैं रखा हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ टारगेट रखिए और 28 को ऐसा क्लोज कीजिए। आपका मार्च महीना है ना, महत्वपूर्ण महीना बने। और मैं चाहूंगा, बेस्ट विशेष दूंगा हमारे टीम के तरफ से, गुरुकुल के तरफ से, जो है सभी 80 के 80 लोग ईयरली MDRT बने। और जो है इस आज का सेशन को मैं आशा जी से जो है अनुरोध करूंगा सेशन को कंक्लूड करके, और 3 मिनट दूंगा आशा जी को, क्योंकि बराबर 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो सेशन को कंक्लूड करके क्लोज कीजिए प्लीज मिस्टर आशा जी। थैंक यू वेरी मच सर। ये सेशन जो हमने आज पहली बार किया है उसका रिस्पांस तो काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट रिस्पांस है ये, क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक, अपने अपने कमिटमेंट्स अभी तक दिए नहीं है किसी ने, तो नेक्स्ट टाइम हमें ये चाहिए कि ग्रुप में वो हमें सारे कमिटमेंट्स मिलने चाहिए। अगर हमको कमिटमेंट्स मिलते हैं तो फॉलो अप भी अच्छा से हम ले सकेंगे, और आगे का जो मूवमेंट है, चाल है जो प्रोग्राम का, वो भी अच्छा बनेगा। आशर जी जो एक साहब है 133-333-96, उनको थोड़ा सा अनुरोध कीजिए नेक्स्ट टाइम से नाम से लॉगिन करेंगे। मैंने उनको 4 बार मैसेज किया है, शायद उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए वो शायद लॉगिन नहीं कर पा रहे, और उन्होंने लैपटॉप का डिमांड भी किया है, लैपटॉप बुक का, लेकिन मैं उनका कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उनका नाम निशान कुछ भी नहीं है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लॉग इन करते हैं तो अपने नाम से रिक्वेस्ट लॉग इन कीजिए, नहीं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया है कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं। आपका नंबर भी बता दो, आपका नंबर। हाँ, मेरा नंबर तो है ही ग्रुप में, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9850429955। तो मुझे वो पर्सनली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो सीतारमन सर आपको भी कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे कैसे वो। मेरा नंबर भी बताइए, 9371016300। सर मेरे को बाय हार्ट है आपका नंबर। सर स्वाति मैडम कुछ बोलना चाहते हैं, स्वाति मैडम, स्वाति दूत प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड मॉर्निंग सर, मुझे थोड़ा एक केस में प्रॉब्लम था, वो पूछ सकती हूँ क्या? मेरे को पर्सनल फोन करना। पूछिए पूछिए। नहीं अब दो मिनट का रहेगा तो। हाँ ठीक है पूछिए। सिर्फ ये है कि NRI कैसे कतार में है, वो इंडिया का ही है ना वो, लेकिन उनका जो बच्चा है ना वो रेसिडेंशियल कतार का है, उधर का है, तो हम NRI वो में होगा मैडम, NRI में ही होगा वो। NRI वो अच्छा
मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन ओरिजिन ऐसा करके एक शब्द, लेकिन वो पढ़ाई को बैंगलोर में है सर। अरे कहीं भी हो लेकिन उसका पासपोर्ट में एनआरआई हो, उनका पैदाइश है ना उधर हुआ है इंडिया का आउटसाइड में, वो एनआरआई हो का इस पे मतलब उसका केस कम्प्लीट होगा, चिंता मत कीजिए। उसमें कोई दिक्कत है हमारा चारों में से किसी को भी आप फोन कर सकते हैं, आपका केस कम्प्लीट करा के देंगे। धन्यवाद। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है सारे एनआरआई के ही लेने हैं अपने को। हाँ जी हाँ जी, पासपोर्ट का सारे पेज का जेरॉक्स लगेगा। ओके थैंक यू। और यूटिलिटी बिल करके एक है वो भी लगेगा। यूटिलिटी का बिल क्या है? यूटिलिटी एक शब्द है जो है इंडिया में हम बिजली का बिल बोलते हैं, पानी का बिल बोलते हैं या मोबाइल का बिल बोलते हैं, उसको जो है वेस्टर्न कंट्रीज में यूटिलिटी बिल बोलते हैं, वो जरूर इंटरनेट का भी बिल चलता है, इंटरनेट का भी बिल चलता है। हाँ वही यूटिलिटी हो गया रे। चलो थैंक यू विजय, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से उमंग के बारे में डिस्कस किया आज, और मुझे श्योर है कि मुखोपाध्याय जी के भी सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज क्लियर हो गए होंगे अभी तक। पर्सनली मैं विश करूंगा होनराव सर को, और आज का सेशन कंक्लूड करते हुए सर थैंक यू वेरी मच, आपने एक बहुत वंडरफुल ऑफर दिया है सबको कि मार्च 31 के पहले अगर वो करते हैं तो 81,000 का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आप अपने अपने हिसाब से, वो ग्रुप के हिसाब से आप सबको फ्री ट्रेनिंग देंगे। सर थैंक यू वेरी मच, इतना मोटिवेशन तो मुझे नहीं लग रहा है कि और कहीं भी प्लेटफॉर्म से उनको मिलेगा, तो ये चीज अपने को ग्रुप में भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जो सिर्फ 30 लोग आए हैं उन्होंने अपना ऑफर सुना हुआ है, बाकी के लोगों को हमारा ये ऑफर उनको जाना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप में भी आप ये ऑफर अपना प्रेजेंट कर दीजिए। और बनाओ इसको। यस सर बना देंगे। विजय थैंक यू वेरी मच, और लेट्स कंक्लूड द सेशन, 8:05 होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके।